गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि, होप यू ऑल आर वेल। सो मैं नहा ली, बाल भी धो लिए। सो अब मैं एक्चुअली हम जा रहे हैं चर्च, तो मैंने सोचा मैं चर्च का व्लॉग बना लेती हूँ, जहाँ आई डोंट नो वो ओपन होगा या नहीं होगा। मैं सुबह नहीं गई थी, सो मैं अभी दिन में जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ओपन है या नहीं है। सो चल के देखते हैं कि चर्च ओपन है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे ही आना पड़ेगा। एंड या सो मिलते हैं चर्च में। तो हम चर्च आ चुके हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। दिस सो ब्यूटीफुल राइट। सो एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम दिन में आए थे 1 o'clock 2 o'clock समथिंग। सो एक्चुअली ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। हाँ, दिस चर्च वॉज क्लोज दैट टाइम। सो क्या हुआ ना कि आते वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, उसकी वजह से यहाँ पे ये चर्च बंद हो चुका था। फिर जो गार्ड होता है उन्होंने बोला कि ना आप 4 o'clock आइए, 4 o'clock आने के लिए कहा है। तो इसलिए हम अब इवनिंग आए हैं। तो अब ये ओपन हो चुका है, जस्ट अभी ओपन ही हुआ है। और अब लोग भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ चर्चेस। अच्छा ना। सो गाइस, अब हम अंदर जा रहे हैं चर्च के। मैं सोच रही हूँ पहले अंदर बना लेती हूँ, बिकॉज़ फिर वो ना जब मास स्टार्ट हो जाता है तो फिर लोग आ जाते हैं और फिर वो अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना। सो आई थिंक अभी कोई नहीं होगा चर्च में। सो लेट्स गो, देखते हैं। और देख, चर्च तो देख लिया है। ओके, सो नाउ अब बाहर का दिखा देती हूँ। बाहर भी बहुत अच्छा है, लाइक घूमने के लिए गार्डन्स है, ठीक पीस। ओके, सो यहाँ पे चर्च बहुत अच्छा है। मैं बहुत कम आती हूँ, बट आती हूँ कभी कभी। Thank you.
अभी मैं आपको वो ऊपर जो दिख रहा है ना, वहाँ जो दिख रहा है वहाँ मैं आपको लेके जाती हूँ। वो पूरा पत्थर से बना हुआ है, स्टोन से, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइस, आपको मेरे पीछे वो दिख रहा है, वो चर्च। हाँ, वो चर्च पहले ओपन था जब ये चर्च आई थिंक नहीं बना था, बहुत पहले हम बैंगलोर आते तब गए थे। वो चर्च भी ऐसा ही है, बहुत बड़ा, अच्छा है, बट आई थिंक वो क्लोज हो चुका है, अब वो नहीं चलता है। धूप है, देखो देखो, बहुत ही अच्छा प्लेस है। मुझे ऐसा लगा बस मैं यहाँ पे घूमती रहूँ, वॉकिंग करती रहूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, भी है बैक साइड, बट मैं वहाँ पे जा नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। आई थिंक वहाँ पे मना होगा जाना, और हो सकता है जाते भी हो, बट मैं इतना सॉरी नहीं बता सकती हूँ। और आप देखिए मेरे पीछे, और वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पे भी जाते हैं। बहुत बहुत, मतलब आई डोंट नो कितना स्क्वायर फीट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना ब्यूटीफुल है ना, मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ, वहाँ भी लेके जाती हूँ। वो पहाड़ी है, बहुत ऊपर भी है वहाँ पे, देखो आप। आई थिंक वहाँ नहीं जा सकते हम, बट मैं आपको लेके जाती हूँ, चलो यहीं से चलते हैं। तो हम ऊपर जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा माउंटेन पे, मतलब माउंटेन तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा ऊंचाई पे है बहुत बना हुआ। देखो देखो, हम ऐसा चढ़ना पड़ेगा, कहीं नहीं ला इसका, आप देख सकते हो, तो ज़्यादा प्रीटी है। देखिए वो ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। आई डोंट नो वहाँ कैसे जाते हैं यार, आई थिंक सीढ़ी है, मैं आपको यहीं से दिखा देती बिकॉज मैं तो ऊपर नहीं जा सकती। सी दिस, बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट जाने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, मुझे लगता नहीं है शायद। मैं तो ऊपर आ गई हूँ, चलिए और ऊपर चलते हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे की तरफ, वहाँ से ऊपर जो दिख रहा है ना वो वाला रोड, वहाँ से भी जाने का है, मतलब वो जो दिख रहा है ना वो वाला जो दिख रहा है ना वो वाला, वो एक गुफा है, और वहाँ पे जीजस को हम मतलब रखा था क्रूज के बाद, तो वैसा ही एक स्टैचू टाइप वहाँ बना रखा है। तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं नीचे जा रही हूँ, सो अभी हम नीचे तो आ गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही थी ना वो वाला प्लेस, वो ये वाला, यहाँ से जाने के लिए देखो देखो ये वाला सड़क यहाँ पे, ठीक है। तो उधर जाके मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। कुछ इस टाइप का है गुफा जैसा, इस पे ताले बांधे जाते हैं, धागा ताला आप जो बांधना चाहो उस चीज़ के लिए है ये। वो छोटा सा है, बहुत अच्छा है। चलिए तो ब्लर आ गया फिर से, चलिए तो फिर से अब हम उतर जाते हैं यहाँ से नीचे।
सो मैं यहाँ से तो आ गई हूँ, नीचे जा रही हूँ। मेरे को वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक ओके आई मीन स्लिम हो जाना मुझे। मैं आपको वो वाला पीस और दिखा देती हूँ। ओके वेट, पोर्शन है ना यहाँ पे भी प्रेयर की जाती है, जो पीछे से हम आए थे ना वो वाला एरिया, वहाँ से भी पत्थर वाला है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, देखिए। ये सीट्स भी है यहाँ पे बैठने के लिए। सो गाइस, अब मुझे एक्चुअली जाना है, अब घर हो गया है क्योंकि बहुत अब लोग जाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि अब प्रेयर स्टार्ट होने वाली है और मुझे अभी थोड़ा टाइम नहीं है क्योंकि मैं दिन में आई थी तो मैंने सोचा था हम प्रेयर वगैरह सब अटेंड करके जाएंगे, बट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कन्नड़ा तमिल मलयालम इस टाइप की लैंग्वेज चलती है जो मुझे नहीं समझ आती है, ना मेरी फैमिली को आती है, और हिंदी यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम खुद आके अपनी प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है, वेट मिनट, तो इस वजह से बाल बिगड़ गए हैं, पहले बेकार बाल है मेरे। सो इस वजह से हम आए थे, मैंने सोचा आपको चर्च दिखाती हूँ, चर्च बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब सब आने लग गए हैं धीरे धीरे, पब्लिक आ रही है। अब पब्लिक आएगी तो उनके सामने, मतलब चर्च में तो नहीं बना सकते ना, सो इसलिए अब जाना होगा। और हो सकता है तो शायद हम अटेंड करके भी जाए। सो प्लीज़ अगर आपको चर्च अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चर्च के लिए मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, और मुझे प्लीज़ आगे बढ़ा दो क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं कब से चाहती थी कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, बट मुझे नहीं पता था कैसे बनता है, और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है बना लेती हूँ। तो इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया, बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मैं और भी अलग अलग प्लेसेस की जो भी होगा वैसा व्लॉग मैं आप डाल अपलोड करूँगी। आप लोगों को बस मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, और ऐसे ही प्यार देना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। और कुछ भी अगर मिस्टेक है, मैंने सही नहीं बनाया, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि मैंने क्या गलती की है और क्या अच्छा नहीं बनाया। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आगे भी न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी और देखती हूँ मैं और भी यहाँ के कुछ प्लेसेस बना सकूँ तो। ओके सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।